वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। मतलब जितने भी सिख हैं सब प्रसाद वगैरह बांटते हुए, कोई टॉफी दे रहा है, कोई चने दे रहा है। तो फिर देखो भाई कितना प्यारा नज़ारा है। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, और दुआ करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा। हकीकत में स्वर्ग का दूसरा नाम श्री हेमकुंड साहिब है। अगर हम बात करें श्री हेमकुंड साहिब आने की, तो NH7 से होते हुए हम जोशीमठ से 10 किलोमीटर आगे गोविंद घाट तक पहुँचते हैं और गाड़ी को खड़ी करके हम निकल जाते हैं गोविंद धाम के लिए। हाँ, लेकिन एक बात और, जो तो गाड़ी जो अपनी जाएगी वो गोविंद घाट तक ही जाएगी, और वहीं पर गाड़ी को पार्क करना पड़ेगा, जिसका फेयर आप लोगों को 600 रुपये पर डे का देना होगा। यहाँ से हम लेंगे भाई शेयरिंग टैक्सी, जिसका फेयर 50 रुपये होने वाला है, और अभी हम खड़े हैं गोविंद कुंड। टैक्सी हमें भाई यहाँ तक पुलना तक छोड़ती है, और उसके बाद फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जो बिल्कुल फ्री है, ये मैंने करा लिया। और ये पुलना है अपना, और यहाँ से फिर आगे की जर्नी स्टार्ट हो जाती है हमारी। बताया जाता है कि 9 किलोमीटर तो गोविंद घाट है, और उससे आगे 6 किलोमीटर आगे हेमकुंड साहिब, तो उससे 6 किलोमीटर आगे अपना रहेगा हेमकुंड साहिब। अब हमने यहाँ से अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी, और देखते हैं भाई किस टाइम तक पहुँचते हैं। देखो कैसी चढ़ाई दिखाते हुए आप लोगों को। कुछ इन नज़ारों के साथ हम निकल लिए भाई हेमकुंड की यात्रा के लिए, और बहुत बढ़िया वेदर हो चुका है और बहुत बढ़िया मौसम है। तो धूप भी निकली है, टाइम हो चुका है 6:30 सुबह के। ये जो नदी बह रही है इसका नाम है लक्ष्मण गंगा, और ये हेमकुंड से ही स्टार्ट होती है। रास्ते में कुछ खाने पीने का भी स्टॉपेज है, तो आप लोग यहाँ खा पी भी सकते हैं। और यहाँ पर घोड़े का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर घोड़ों के प्राइस की लिस्ट की बात करें, तो यह गोविंद धाम तक ले जाने के लिए 1500 रुपये चार्ज करते हैं। गोविंद धाम से 6 किलोमीटर आगे और जाना है तो 1300 रुपये वो अलग चार्ज लेते हैं। 13 किलोमीटर के आसपास रह गया भाई, और देखते हैं कितना और चलना पड़ेगा। बाकी ये वीरे मिले ने रेस्ट कर लेते हैं भाई, और पीछे ये भाई आल लग रहे हैं, इनसे नाम वगैरह पूछते हैं और लगाते हैं भाई वाहेगुरु जी का ललकारा। भाई जी क्या हाल है? ठीक है भाई जी, नाम क्या है? नाम अमृत। आपका विजय? रणजोत सिंह। अमृत सिंह अमृत दो है, 2.0 ये है। अच्छा, ओके। हो ना, ठीक है। और कितना लंबा रहेगा भाई सफर? अब 10 किलोमीटर रहेगा। 10 किलोमीटर के आसपास, 10 मील है पर ज्यादा है, कहने के 10 मील है। अच्छा अच्छा, चलो 3-4 बजे तक पहुंच जाएंगे आराम। कल ले आए हो? और भी बंदे साथ में, वो पीछे हैं, वो पीछे रह गए। अच्छा, वो जवान लोग पीछे, फादर है? हां, फादर और ब्रदर। फादर और ब्रदर, चलो एक ललकारा लगा देते हैं
वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। और रास्ते में भाई इतने खूबसूरत नजारों के साथ में चढ़ाई पूरी और बढ़िया भाई मिल गए एक नंबर के, तो इन्हीं के साथ जा रहे क्योंकि मैं अकेला आया हूँ, तो इन्हीं के साथ जा रहे। और जो ये नदी की आवाज़ सुनाई दे रही ना आप लोगों को, ये लक्ष्मण गंगा के नाम से है और 10 किलोमीटर के आसपास अभी अपना डिस्टेंस रह चुका है। तो काफ़ी संगत यहाँ जा भी रही है और आ भी रही है। यहाँ से दिखा रखा भाई 13 किलोमीटर और अपना ट्रैक जा रही है। अभी बताते हैं, अपडेट देते हैं किस टाइम तक पहुँचेंगे वहाँ पर। फिर वहाँ पे रुकने वगैरह की तो सुविधा तो होगी? फुल 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 है, फुल गुरुद्वारा च। हाँ जी, ओके, डोंट वरी, हमारे साथ ही रुक जाएगा। ठीक ठीक ठीक, ओके भाई। आपको 0 किलोमीटर का बोर्ड भी दिखाएंगे। अच्छा ठीक है भाई जी। अभी सुबह का ठंडा ठंडा मौसम और ट्रैकिंग करने में भी भाई एक नंबर का आनंद आ रहा है। मस्त काम होगा, वजन बहुत कम होगा। हाँ वजन भी कम हो जाएगा भाई। भाई अरे नहीं, भंडार 2 किलोमीटर रह गया, अभी 2 किलोमीटर रह गया भंडार और हम आ गए भाई 4-5 किलोमीटर ये ऊँचे ऊँचे पहाड़ों को क्रॉस करते हुए। तो अभी सफ़र जारी है, कंटिन्यू है। ये बैठने की सुविधा पर नहीं है? हाँ ये बैठने की सुविधा है पर बैठना नहीं है, वीर जी कह रहे हैं। ठीक है भाई, चलते रहो। हाँ ये बात तो है, हमारी स्पीड भी इतनी नहीं है कि हमें बैठने की ज़रूरत पड़े। बिल्कुल आराम आराम से हौले हौले चल रहे हैं भाई। और अगर हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर की, तो एक महीने पहले तो इसकी बुकिंग करानी पड़ती है और 5.5 से 6 हज़ार रुपये इसके बीच में आता है इसका खर्चा भाई। हेलीकॉप्टर की भी सुविधा भाई यहाँ पे। ये आ गया भाई ग्लेशियर और इसी के नीचे जाना है। बर्फ़ का ग्लेशियर है ये, और यहाँ पे ना एक चीज़ और देखी, मतलब जितने भी सिख हैं सब प्रसाद वगैरह बांटते हुए, कोई टॉफ़ी दे रहा है, कोई चने दे रहा है, तो बढ़िया सेवा करते हुए निकल रहे भाई। और धूप निकल गया, टाइम हो चुका 9 का और हम पहुंचने वाले हैं भयुंडार। हम पहुंचने वाले हैं भयुंडार। यहाँ के मकान देखो भाई, बिल्कुल छोटा सा दरवाज़ा है और गांव आ चुका है ये भयुंडार, छोटा सा पहाड़ों में भाई इतना ही यही काफ़ी होता है। क्योंकि भयुंडार आने के लिए हम चले हैं 6 किलोमीटर के आसपास चले हम, जिस टाइम केदारनाथ में बाढ़ आई थी तो यहाँ पे भी हेमकुंड साहिब में भी बादल फटा था और यहाँ पे भी बाढ़ आई थी। ये मंजर है भाई उसका। ये सारे पत्थर भाई 2013 की आपदा के दौरान नीचे आए थे सारे के सारे। और ये देखो भाई कितना खूबसूरत नज़ारा है, मज़ा आ गया यार। और अभी कर रहे हैं एक छोटा सा पुल क्रॉस, उसके बाद हमने हाफ क्रॉस कर दिया और हाफ रह चुका हमारा।
अभी करते हैं थोड़ी देर रेस्ट और उसके बाद फिर से कंटिन्यू करते हैं। बाकी सीन मस्त है यार, सामने एक ग्लेशियर दिखाता हूँ, हल्का सा दिख रहा है बहुत, ये रहा। ये भी आ गए जो पीछे रह गए थे भाई जी, एक ये भाई जी थे और ये अंकल जी हैं पीछे रह गए थे। अंकल जी नाम क्या है अपना? मेरा नाम बिचित्र सिंह। बिचित्र सिंह और आपका? हर्षपाल सिंह। ठीक, और भाई का इंट्रोडक्शन मैंने आपका करवा दिया था आप पहले। ये तो अभी कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं भाई, परोठे वगैरह, उसके बाद आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। टिकट ग्लेशियर से बहता हुआ पानी भाई, इसका भाव देखो कितनी स्पीड है, काफ़ी ऊपर से आ रहा है। जहाँ से हमने चढ़ाई की थी तो इस नदी के साथ साथ ही हम नीचे से स्टार्ट किया था और अब इसी नदी के साथ साथ ही ऊपर जा रहे हैं। तो ये सारा ग्लेशियर का पानी पिघल के, बर्फ जो ऊपर लगी हुई है वो पिघल के वो इतनी स्पीड से आया भाई, तो काफ़ी संगत आई है। खड़ा इधर हो गए, खुशबू खुशबू भाषण लगा भाषण जी। पता नहीं क्या लगाया हाथ पे, क्या कर रहे थे वो? खुशबू खुशबू है ना, वो बोल रहे थे ये दिया और बोल रहे थे खुशबू सुन ले लो भाई इसकी। तो ये शायद मेरे साथ ना कपूर है, वो सांस नहीं चढ़ने देता, सांस फूलने नहीं देता। ठीक है, तो ठीक है भाई, काफ़ी बंदे मिले जो कुछ ना कुछ किसी ने दिया ही दिया है, कभी करीबन करीबन 4-5 बंदे ऐसे मिले हैं मेरे को, किसी ने कुछ ना कुछ दिया ही है। और अभी चल ही रहे भाई अपना आगे का सफ़र, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ना ये चढ़ाई ज़्यादा आ गई यहाँ पे, नीचे नॉर्मल था, यहाँ थोड़ी सी चढ़ाई है। ये वाला रास्ता थोड़ा सा मुश्किल आ गया भाई, क्योंकि काफ़ी हाइट है ना, सीढ़ीदार हो गया अब ये थोड़ा सा, तो देखते भाई इस रास्ते ने काफ़ी साथ चढ़ा दिए। ये देखो भाई कितना प्यारा नज़ारा है इस पेड़ के नीचे, और हमारा रह गया आधे घंटे का रास्ता मुश्किल से। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। जूस के साथ भाई चेस, जूस के साथ चेस हो चुका है और गगरिया रह गया भाई 2 किलोमीटर, लग गएगा अभी टाइम 1 घंटा करीब, 1 घंटा भी थोड़ा कमी है, कम है, चलो 1 घंटे से कम हो, बस 1 ही लग जाएगा यार, बैठ बैठ के जा रहे आराम से। तो बाकी नज़ारे बहुत मस्त हैं, झील झरने नदियाँ काफ़ी चीज़ें देखी, पहाड़ और ग्लेशियर, बहुत मस्त है भाई नेचर देखना, देखो, देखो, देखो। कितना प्यारा है, देखो भाई। और यहाँ एंजॉय कर रहे हैं जूस और लस्सी